नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमित राय शो में। और आज हम एक विशेष अतिथि से आपको मुलाकात कराएंगे। संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आज आपको मिलवाते हैं सिद्धार्थ बनर्जी जी से। उन्होंने सिद्ध वीणा वादक की रिसर्च करी है, उसको बनाया है और पूरी दुनिया में उसके द्वारा अपना नाम किया है। हमें पूरे देश को उन पर नाज है। तो आज हम मिलाते हैं सिद्धार्थ बनर्जी से। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है आज। शुक्रिया आपका एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। आज हमारे साथ इतने प्रसिद्ध यानी हिंदुस्तान की जान कहे जाने वाले सिद्धार्थ बनर्जी हैं। थैंक यू। जिन्होंने इतना नाम कमाया है। तो जब भी आप बाहर जाते हो सर, इंडिया से बाहर जाते हो या इंडिया में आते हो, तो वो प्राउड, वो फील, वो कैसी फीलिंग महसूस होती है सर आपको? सबसे बड़ी जो फीलिंग महसूस होती है वो ये लगता है कि जब आप एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे देश में हो, देश के बाहर के लिए हो, विदेशों के लिए हो, जो भी, जी जी, तो एक भारतीय होने का जो गर्व है और उसका जो एक उसकी जो एक फीलिंग है जी, वो मुझे लगता है कि वो बाकी हर चीज़ से ऊपर रहती है। और वो प्रेरणा जो है वो आपको, आपके अंदर वो जज्बात, वो जुनून पैदा करता है कि आप 24 घंटे अपनी सेवा में, अपने काम में, अपने पैशन में लगे रह पाते हैं। वो जो एक प्लग्ड इन कनेक्शन है, वो इंस्पिरेशन वहीं से और मिलती है। तो देश का एक सम्मान आपके साथ बनता है कि हमारे देश में ऐसे होनहार हैं। और वैसे भी आजकल आप बड़ी चर्चाओं में हैं, हमने न्यूज़पेपर में आपको बहुत फेमस देखा है। पीएम जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको बड़े सम्मान दिया है, पूरी हेडलाइन में रहे। ये उनका प्यार है, ये आप सबका प्यार है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जी। ये आप सबका प्यार आशीर्वाद है। और सबसे पहले जो साक्षात वो परम शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है, ये उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी कृपा है। मेरे माता पिता और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है ये। तो ये एकदम कैसे हाईलाइट हुए, वो जैसे न्यूज में इतना आया, तो उस शो के बारे में बताएंगे, क्या शो था, क्या विशेषता थी उस शो की? देखिए, ऐसा है कि हाईलाइट होना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जर्नी से होता है, स्टेप बाय स्टेप जी। आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि या फिर लोगों तक आपका पहुंचना, लोगों का प्यार मिलना, ये एक जर्नी से है। बिकॉज मैं मुझे परफॉर्म करते हुए मोर देन 27 ईयर्स हो गए। ओके। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल वेंचर्स में, ऊपर से आपके देश के जो सबसे महान व्यक्तित्व में से एक, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सामने हो, उनसे आपको आशीर्वाद मिले, उनका आपको आमंत्रण मिले, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात मैं कह रहा हूँ, साथ में पूरे विश्व के जितने बड़े फिगर्स है, पिलर्स है, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट और जितने भी बड़े हस्ती आपके सामने रहे, दिग्गज लोग रहे, लेजेंड्स आपके सामने रहे, ऐसे कार्यक्रमों में आपको आमंत्रित होना ही सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से, मेरे जैसे एक बहुत ही छोटे कलाकार के लिए। उसके बाद वहाँ पे आपको वो प्यार, वो रिस्पॉन्स लोगों का, वो अप्रिसिएशन, स्टैंडिंग ओवेशन, ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती है, और ये जब चीज़ें आपको सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि इसी से आपका एक नाम या फिर आपकी एक पहचान बननी शुरू होती है। और आज सबको लगता है, आपको भी, आपने भी जैसा कहा कि मेरा ये हो चुका है, वो हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज मेरे लिए तो सिर्फ शुरुआत है और हर दिन मेरे लिए एक शुरुआत है। देखिए यार, आपके देखो एक जर्नी है, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप एक कहते हैं ना, म्यूजिकल फैमिली से हैं, एक घराने से हैं, और बड़ा प्रसिद्ध घराना जी। तो ऐसा कम होता है कि वो घराने की परंपरा चली आ रही है और अचानक आपने उसको इतनी ऊंचाई पे लेके गए जी। बस कोशिश है, क्योंकि मैं जिस घराने से बिलोंग करता हूँ, एक तो दो बातें यहाँ पे है, एक मेरा पारिवारिक घराना, हाँ, और दूसरा है मेरा सांगीतिक घराना। मैं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वहाँ पे अध्यात्म की साधना और संगीत की साधना दोनों एक साथ हमेशा से चलती आई हुई है। मेरी पहली गुरु मेरी माता जी विदुषी जया बनर्जी जी, उनसे मेरी तालीम की शुरुआत हुई। और मैं अपने परिवार में, मैं फोर्थ जनरेशन हूँ जो म्यूज़िक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दुनिया के सामने। ये तो एक पक्ष है।
दूसरा पक्ष है कि मैं उस सांगीतिक घराने से हूँ जो कि पूरे विश्व में जिसे जाना जाता है, जैसे कि मैहर सीनिया घराने के नाम से जाना जाता है। ओके। और जिनके प्रवर्तक या फिर फाउंडर रहे उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान साहब, उन्हीं के शिष्य हुए उस्ताद अली अकबर खान साहब, मेरे दादा गुरुजी भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, तो ऐसे बड़े बड़े लेजेंड्स, और उस घराने से आपका बिलोंग हो करना और उस घराने को आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसकी सेवा कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में ही इस जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ उसके लिए। नहीं, बड़ा अच्छा है। पर जैसे आप घराने से हैं तो आपको भी वो डांट वगैरह सामना पड़ा, या आप ये हो गए प्यारा बच्चा है आराम से सीख लेगा, या डांट लगती थी? या डांट तो बहुत पड़ी और बिना डांट के होगा भी नहीं। सिद्धार्थ जी, आप भी बचपन में बड़े शरारती रहे हैं या बिल्कुल नॉर्मल सिर्फ संगीत की ओर ध्यान? देखिए, मेरा जो स्वभाव था शुरू से, जो मुझे समझ में भी आता है और मुझे भी बताया गया, क्योंकि बचपन में एक बच्चा खुद को तो समझ नहीं पाता, ऑब्वियसली शरारतें खेल कुछ सब कुछ करता था, लेकिन मेरा जो स्वभाव था शुरू से ही वो थोड़ा शांत था। मैं बहुत ज़्यादा वो हद से ज़्यादा जैसे नॉटीनेस होता है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करना, ये मेरा नेचर कभी नहीं रहा। तो जैसा मेरी माता जी बताती हैं और भी घर के जो बड़े हैं सब बताते हैं कि मैं शुरू से ही शांत और स्टेबल स्वभाव का रहा हूँ, लेकिन हाँ खेल कूद सब कुछ किया है। और फॉर्चुनेट मैं इस मामले में ये रहा कि मुझे कभी मार या डांट नहीं पड़ी। और थोड़ा सा अगर मतलब गंभीर आवाज में बड़े बोल दे कि बेटा ये सही नहीं है, तो वही मेरे लिए शांत, वही बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ी बात थी। और ये जो है, ये चीज़ें शायद एक बच्चा या फिर एक इंसान लेके ही पैदा होता है चीज़ें, ये नेचर की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये बात अलग है कि स्टडीज़ हो, खेल कूद हो या फिर म्यूजिक हो, सारी चीज़ों में काफ़ी मेहनत रही, काफ़ी प्रैक्टिस रहा और सालों की, वर्षों की तपस्या, रियाज, साधना, तालीम, उन सब चीज़ों से ही एक इंसान निखर के सामने आता है। मेरे साथ भी वैसा ही रहा, नथिंग स्पेशल, नथिंग डिफरेंट। नहीं, जैसे घराने से होते हैं तो ऐसा लगता है बाहर वालों को कि ये तो सीख ही लेंगे, या जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, या आपके अंदर खुद से इंटरेस्ट था, आपके बारे में जाने? देखिए, सारी चीज़ें, पहला पॉइंट ये है कि मेरे अंदर कुछ कृपा है, मेरे अंदर शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा जुनून था, एक इंटरेस्ट था, वो किसी ने बताया नहीं, किसी ने पैदा करवाने की कोशिश नहीं की जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि हाँ, एक घराना कह लीजिए या फिर एक जो एटमॉस्फेयर, माहौल होता है, सांगीतिक असर जी, उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है एक कलाकार पे, क्योंकि आप अगर अच्छे माहौल पे है तो उसका असर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो आपने बताया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप एक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जिम्मेदारी को पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिकॉज प्रेशर कह लीजिए, स्ट्रेस कह लीजिए, ये दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ। और दूसरा ये भी पॉइंट है कि आप पर्सनली उसको किस नज़रिए से ले रहे हैं। अगर उस प्रेशर को मैं नेगेटिव ले लूँ तो मेरे लिए वो स्ट्रेस बन जाएगा। हाँ। और मैं अगर पॉजिटिव लूँ तो मेरे लिए वो पैशन बन जाएगा। हाँ। तो अपने पे है कि हम उसे किस तरह से ले रहे हैं। फॉर्चुनेटली मैंने उसे पैशन के रूप में लिया या फिर मेरे साथ वैसा हुआ, और वो जो एक जिम्मेदारी कह लीजिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, उसने काफ़ी ग्रो करने में और हेल्प किया। जब आप बहुत एक्सट्रीम स्ट्रगल में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, तो वो आपका जो लीनेज है, आप जो फिनिशिंग है, जो फिनिशिंग है आप अपने बड़ों को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम योर घराना एंड अपार्ट फ्रॉम योर म्यूजिकल फैमिली और इवन फैमिली, आप जब बाहर किसी भी अच्छे बड़े कलाकारों को, विद्वान गुरुओं को देखते हैं, तो मेरा पर्सनल ये अप्रोच है कि प्रकृति के हर उस छोटे से कण से, हर इंसान से, हर पेड़ पौधों से, हर जानवर से अगर हमारी सीखने की इच्छा हुई तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो प्रकृति के हर एक कण में बसा हुआ है। ये है कि हमें लाइफ टाइम स्टूडेंट बनना है, और यही मेरा जीवन जीने का तरीका या फिर प्रिंसिपल रहा है, अभी भी है, और मैं इसी तरह जीना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा है। तभी आपने जो आपके साथ नाम के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, सिद्धवीणा जी, जिसका आपने इजाद किया है जी। तो कहता है कि हम जनरली देखते हैं म्यूजिशियन को, जो सीखा है, जो गुरुओं से सीखा है, वो उसी को आगे लेके जाते हैं जी। तो आपके में ख्याल आया कि मैं कुछ नया करूं, या कैसे ये डेवलप हुई चीज़ें?
असल में देखिए, जब सिद्धिविनायक का स्ट्रक्चर मतलब उसका आविष्कार हुआ या फिर उस कॉन्सेप्ट के साथ वो कंप्लीट एक रूप में आया, फिर उसका नामकरण मेरी माताजी और गुरुओं ने आपस में परामर्श करके इसका नामकरण हुआ सिद्धवीना, फिर धीरे धीरे दुनिया ने जानना शुरू किया। तो असल में देखा जाए तो उस समय मैं तो बहुत छोटा था, 18-19 साल की उम्र में ये कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका था, परफॉर्मेंस भी चलने लगे थे। लेकिन ईमानदारी वाली बात यह है कि पहली बात यह है कि लोग कहते हैं, समाज कहती है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ सिद्धवीना और सच एंड सच थिंग, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए क्रिएटर ऑफ एनी थिंग, बिकॉज व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है क्रिएटर सिर्फ एक है और वो शक्ति है जो जिससे जो करवाना चाहे वो करवा लेती है, ऐसा मेरा सोचना है और ऐसी मेरी अनुभूति भी है, बिकॉज वी आर नोबडी। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे साथ हुआ कि मैंने कभी इसको सोच के कुछ नहीं किया कि मुझे ये आविष्कार करना है, ये बनाना है, वो करना है, जी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो है एक यात्रा है, एक जर्नी है। उस जर्नी में हम जब एक सर्टन पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो एक सर्टन आउटकम आता है। जो सिद्धवीना का स्वरूप बना वो मेरे अंदर जो एक संगीतकार है या फिर संगीतज्ञ है जो कि हमेशा एक जर्नी में या फिर एक खोज में रहता है, और वो संगीत की खोज है, एक सर्टन साउंड, सर्टन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, बहुत कुछ। और इसका जो रीज़न एक और भी है कि मुझे ऐसे गुरुओं का और ऐसे म्यूजिशियंस जो सीनियर म्यूजिशियंस हैं उनको देखने सुनने का, जानने का, उनसे बातचीत करने का और मेरे गुरुओं के पास तालीम लेने का मुझे जो अवसर मिला, उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर का जो एक संगीतकार है वो धीरे धीरे ग्रो किया। फिर उसको समझ में आया कि नहीं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये भी ऐड करना है, वो भी करना है, तो उससे जो है वो रिसर्च वर्क और स्ट्रॉन्ग होता गया। होते 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 एक नए साज या वाद्य यंत्र का एक स्वरूप बना जिसे आज दुनिया सिद्धवीना के नाम से जानती है। तो ये काफ़ी सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या साउंड का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा आसान शब्दों में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ जिससे कि जो नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से वो भी समझ सके। हमारे म्यूजिक को, हमारे इन द सेंस कि हम यहाँ पे वर्ल्ड म्यूजिक की बात बता रहा हूँ, संगीत को अगर बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये दो एलिमेंट से बनता है, एक है सुर, एक है ताल। बहुत आसान शब्दों में एक और पॉइंट, संगीत के दो अलग इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है सिंगिंग इफेक्ट जिसे गायकी कहते हैं, जैसे कि गले की आवाज से जो असर निकलता है, और दूसरा होता है तंत्रकारी, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट। तो सिद्धवीना की खूबसूरती या फिर इसकी खासियत क्या है कि इसमें गायकी और तंत्रकारी का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है, और ऐसा बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स में ये पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी मेरा रिसर्च रहा या फिर मेरी कोशिश रही, अभी भी चल रही है, तो इससे क्या है, ये इजी टू लर्न है, आसानी से लोग सीख सकते हैं। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स जो है वो 3.5 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल के बच्चे रहते हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होती। कम समय में वो सीखते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एज ए परफॉर्मर भी, एज ए टीचर भी। तो यात्रा ये जारी है। और थर्ड एक बात क्या है कि ये वाद्य यंत्र किसी एक तरह के संगीत में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हम किसी भी तरह का संगीत इसमें कर सकते हैं वर्ल्ड म्यूजिक में, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय हो, भजन हो, गजल हो, रविंद्र संगीत हो, बॉलीवुड का संगीत हो, या फिर वर्ल्ड म्यूजिक फ्यूजन हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हो। तो इसी वजह से क्या है कि ये ऐसा ही है, मान लीजिए कि हम एक बुफे खा रहे हैं, उसमें अलग अलग किस्म के जो पकवान या फिर जो मेनू हमारे पास जो है अवेलेबल है, उसमें से जिसको जो पसंद है वो उसे अप्लाई कर सकता है, निकाल सकता है। मान लीजिए आपको सिद्धवीना आपको बजाना आता है, आपको शास्त्रीय संगीत पसंद है, आप उसमें डूबिए। मुझे हो सकता है बॉलीवुड पसंद हो, मैं उसमें डूबूंगा। तो चॉइसेस बड़े ओपन है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें नहीं है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो सिद्धार्थ भाई, अभी हमने देखा है कि जैसे म्यूजिक में आपने काफ़ी चीज़ें
चेंज करी है। आज के टाइम में एक मेडिटेशन का बड़ा रोल चल रहा है, जैसे पूरी दुनिया में आपका म्यूजिक जाता है, लोग बाग उसको फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो वो आप जो तैयार करते हो तो उसकी एक अलग ही छाप है, तो वो कैसे रहता है, किस तरह से उसको तैयार किया जाता है? देखिए, जो बात आपने कही कि मेरा जो प्रोजेक्ट है जी, जिसे मेडिटेशन विद सिद्धवीना के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, और इसकी सराहना जितने बड़े दिग्गज हैं, लेजेंड्स हैं, और पूरे विश्व से हमें मिलती आई है, प्यार मिलता आया है, तो इसका प्रयास क्या है कि उसको मैं कम शब्दों में, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, यहाँ पे मैं शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ, वो उसका जो आविष्कार या फिर उसकी जो शुरुआत हुई है, वो समझना जरूरी है कि ये एक आध्यात्मिक संगीत है, इसलिए इसको नाद ब्रह्म की साधना कहते हैं। This is a spiritual art form, or in other word we can say this is the spiritual way for the ultimate realization. तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत अध्यात्म से होती है और ये अध्यात्म पे जाके एक फिनिश होती है, ये पहली चीज है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और ध्यान या फिर अध्यात्म वो अलग है ही नहीं, वो एक साथ ही को एग्जिस्ट करती है। तो हमारा ये प्रयास है जो सालों से चल रहा है, जिससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, कि इन बातों को, इन रास्तों को लोगों के सामने आसान तरीके से खोल के सामने दिया जाए, जिससे कि सबसे ज़्यादा जो फायदा ये मिलता है कि आज के ज़माने में लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमनिया और तरह तरह की चीज़ों से परेशान होते हैं, आई मीन नेगेटिव इमोशंस, तो जब उनका इनर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और अलाइनमेंट में होगा तो ऑब्वियसली वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ज्यादा वो उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा। और हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, इसके जो सात सुर है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो सेवन चक्रास होते हैं, जिन्हें एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, उसके साथ उसका बहुत गहरा रिलेशन होता है। तो लोग जब मेडिटेशन विद सिद्धवीना, इसके जो सेमिनार्स या फिर कॉन्सर्ट्स या फिर परफॉर्मेंसेस अटेंड करते हैं, उनको उसका फ़ायदा मिलता है, आध्यात्मिक बहुत सारे रियलाइजेशन हज़ारों लोगों को आज तक हुआ है, और जब वो मेरे पास सीखने आते हैं तो उनको वो रास्ता बताया जाता है कि ध्यान क्या है, संगीत क्या है, और आपकी जर्नी अब यहाँ से कैसे शुरू कैसे शुरू है। ये जो आपका संगीत है, बिल्कुल कहना है कि मेरे सिंपल भाषा में कहना है कि एक लाइफ चेंजिंग है। जैसे एक आदमी डेडोन है, अगर वो संगीत भी उसको सुनता है, उसको फील करता है, उसके अंदर एक अलग से एनर्जी जनरेट होती है। तो ये बड़ा सुंदर है, और आपका हमने कई बार इस बात को सुना है, तो आप ये एज ए टीचर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए भी आगे जाके प्रेरणादायक है आपका जो संगीत है। अब उसको नेक्स्ट आयाम क्या है, अभी तक आपने सीखा है, दुनिया को सिखाया है, अब इसका एक आगे क्या है? देखिए, मेरा जो काम है वो, उसे अगर मैं सम अप करके शॉर्ट में बताऊं तो उसके तीन अलग डायमेंशंस है। पहला है कि मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन बीइंग एन आर्टिस्ट और परफॉर्मर। दूसरा है कि मैं कंपोजर भी हूँ, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हो, उसके लिए मैं कंपोजिंग का काम भी करता हूँ। और तीसरा जो है, मैं टीचर भी हूँ। तो ये है सब संगीत से ही जुड़ा हुआ या फिर ध्यान से ही जुड़ा हुआ, लेकिन उसके अलग अलग आयाम हैं। सोसाइटी को सर्व करने के तीन अलग तरीके हैं। तो मेरा जो भी प्रयास चलता आया है, आगे भी चल रहा है, उसमें ये ही है कि मैं चीज़ों को अपनी सालों के रिसर्च, तालीम, रियाज, हर चीज़ के माध्यम से मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी अगर सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत ही नहीं, अगर दूसरे जो जॉनर्स होते हैं, अलग अलग विधाएं जो होती हैं, बिकॉज एज ए म्यूजिशियन मैं अलग अलग तरह के संगीत को परफॉर्म करता हूं और मैं अलग अलग तरह के संगीत को सिखाता भी हूं, क्योंकि वो मेरे गुरुओं से मैंने सीखा है। और मेरा ये सोच है कि हर तरह का संगीत अपने आप में अच्छा होता है, सिर्फ उसमें खूबसूरती होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसके साथ कनेक्ट करना है। तो मेरा जो फ्यूजन बैंड है रिवायत, उसमें भी हम प्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरह के संगीत को, पूरे वर्ल्ड म्यूजिक को, जिसको जो पसंद है
वो अपने हिसाब से उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो सिद्धार्थ भाई, जो आपका फ्यूजन बैंड है, वो कहते हैं कि सब बैंडों में अलग है, उसने अपनी एक पहचान बनाई, और हम ये तो चाहते हैं कि दुनिया में ना वो सबसे नंबर वन पे रहे जी, हमेशा ये चाहेंगे, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा जो फ्यूजन बैंड है, जिसे रिवायत के नाम से जाना जाता है, तो रिवायत जो है वो एक ऐसी कोशिश है, वो एक फूलों का जो गुलदस्ता होता है ना, बुके, उसकी तरह है। उसमें अलग अलग फूलों से, संगीत के फूलों से हम कार्यक्रम को सजाते हैं जी। और जिसे जो फूल पसंद है वो उसके साथ ज़्यादा जल्दी से कनेक्ट हो पाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, हमारे रिवायत में हम पूरे वर्ल्ड म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल फ्यूजन, सेमी क्लासिकल, भजन, गज़ल, रविंद्र संगीत, या फिर बॉलीवुड का संगीत, या फिर वर्ल्ड म्यूजिक में जो अलग अलग जॉनर्स होते हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट करते आए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक सवाल हम लोगों से बार बार पूछा जाता है कि आने वाले जनरेशन या फिर प्रेजेंट जो यंग जनरेशन है, उनसे आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, उसका तरीका यही है कि आपका जो भी संगीत या फिर जो भी काम है वो सुंदर होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ ईजी होना चाहिए। कुछ ज़्यादा जैसे यूथ होते हैं ना, exactly, तो हाँ, वो कनेक्ट नहीं होते म्यूजिक, वो जैसे पॉप म्यूजिक हो गया, रॉक स्टार हो गया ज़्यादा, लेकिन जब हम आपका सुनते हैं तो हम उनसे ऊपर ही पाते हैं, ऐसा नहीं सुना गया। तो आपने ये जो बैंड बनाया है बिल्कुल यूथ का सोच के बनाया जी, क्योंकि देखिए मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं भी उनके ही एज ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे भी वो टेस्ट पता है कि क्या उनको चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी चीज़ उनको मिल सके। बिल्कुल। अब किसी को फास्ट फूड पसंद है तो उनको आपको फास्ट फूड देना पड़ेगा, आप वहाँ पे उनको समझा नहीं सकते कि बेटा फास्ट फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको वो देना भी पड़ेगा। हाँ, किस तरह से हम फास्ट फूड से हेल्दी फूड की तरफ मोड़ सकते हैं वो खुद का टेक्निक है। बहुत बढ़िया जा रहा है, अच्छा है बिल्कुल। आप चाहिए, जब भी मौका मिलेगा हम तो इसको सुनते रहेंगे, लोगों से भी कहेंगे कि सुने। तो सिद्धार्थ भाई, जैसे आपकी डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिली है, तो बड़े सम्मान की बात होती है कि भाई आपने जर्नी शुरू करी बनारस से लेकर पूरी दुनिया में है जी। तो ये डॉक्टरेट की जर्नी का, अवार्ड की जर्नी का, ये कैसे सिलसिला है? देखिए, अवार्ड्स जो है वो तो आप लोगों की शुभकामनाओं से बहुत सारे अवार्ड्स बहुत सालों से मिलते आए हैं, उसमें से गोल्ड मेडल्स हैं बहुत सारे, ऑनरेरी डॉक्टरेट मिला, सेंट टेरेसा अवार्ड मिला, सारस्वत सम्मान मिला, वो भी महान पूज्य शंकराचार्य जी के हाथ से, और संगीत साधक अवार्ड, और भी बहुत सारे लाइनअप भी है, मतलब पूरा नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम चला जाएगा बहुत। तो हाँ, ये सच में कहूँगा कि अवार्ड मिलना, ये आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे हमेशा वो इंस्पायर करता है, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेवलप होती है, क्योंकि अवार्ड जो है वो सिर्फ अवार्ड नहीं है, वो लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, सोसाइटी से आपको मिलता है, तो आप और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि मुझे और डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है, जिससे कि लोगों का भला हो सके। बहुत अच्छा है सिद्धार्थ भाई, मैं हमारे अपने मन में एक सवाल आ रहा है कि हम एक ऐसा डोर आप शायद ओपन करें जी, कि पूरी दुनिया के लोग आप तक आए, इंडिया में पहुंचे जी, वो आपसे इस जो संगीत की शिक्षा लें, और वो जाने कि इसकी जो डेप्थ है वो अनलिमिटेड है जी। ऐसा कुछ कभी भविष्य में प्लान होगा कि पूरी दुनिया में आपको सुन रहे हैं लेकिन वो सीखने पूरी दुनिया से आ रहे हैं, वो सीख के तैयार होके जा रहे हैं? देखिए, इसका डोर ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अच्छा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हाल में ही जी, मतलब अभी 2023 चल रहा है, 2022 में जी, मेरा एक ऑफिशियल ऐप रिलीज हुआ है ये प्ले स्टोर पे, और प्रोबेबली मैं फर्स्ट म्यूजिशियन हूँ जिसका खुद पर्सनल ऐप रिलीज हुआ है, इंडियन म्यूजिशियन, इसे सिद्धार्थ बैनर्जी ऑफिशियल के नाम से आप ये देख सकते हैं जी, जी। तो उसके थ्रू जो है, ऐप के थ्रू, या फिर आप मेरे टीम से जुड़िए, टीम के थ्रू जी, जी। हमारा जो फाउंडेशन है SB फाउंडेशन के माध्यम से हम पिछले 21 सालों से पूरी दुनिया को पूरे दुनिया में हम चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम ट्रेनिंग और जो शिक्षा जो है संगीत की और म्यूजिक मेडिटेशन की, इसे हम दे ही रहे हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ सिद्धार्थ बैनर्जी ऑफिशियल के नाम से आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप मेरी टीम से जुड़ सकते हैं, जो भी लोग इस परंपरा में या फिर इस
कह सकता हूँ कि टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें पर्सनली हेल्प करूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी को, मतलब पर्सनली मुझे समय देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मेरी टीम है वो उनको गाइड ज़रूर करेंगे। सिद्धार्थ भाई, आपसे बात करके है ना ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला चलता रहे, और बहुत अच्छा है आपने इतना कीमती समय दिया, इतना संगीत के इतनी बारे में डेप्थ से आपने हमें बताया। सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा, वो देखेंगे आपको हमारे साथ में। और अगली बार जब भी मौका मिलेगा हम फिर आपके से एक बार बात करेंगे, आपके जीवन के कुछ और पल जानेंगे। जरूर, मेरा सौभाग्य। थैंक यू सो मच। थैंक यू।